नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं चने की। चने की तीन वेराइटियाँ हैं जो मुझे पसंद है, क्योंकि इन तीनों वेराइटियों का जो उत्पादन है वो किसान ने अपने अपने हिसाब से बुआई करके, अपने अपने हिसाब से खाद और दवाइयाँ डालकर उसका उत्पादन, जो चने का मतलब कि जो रिसर्च वाला जो उत्पादन देता है, जो वैज्ञानिक लोग, कृषि वैज्ञानिक लोग जो उत्पादन लेते हैं, जो कंपनी कहती है, बनाने वाले कहते हैं कि इस चने का इतना उत्पादन होगा, उससे कई गुना ज़्यादा इन लोगों ने उत्पादन लिया है। और इसकी एक जिन किसान से मैंने बात करी है, मैं उनके यहाँ पर जाऊँगा भी और उनसे जब वो चने की बुआई करेंगे तो होगा तो उसकी वीडियो भी बना के लाऊंगा कि वो किस तरह से बुआई करते हैं। किसान टेमन्नी के पास नौसर गांव के किसान हैं और इन्होंने चना बोया जाकी। हम पहले नंबर पे चना ले रहे हैं, जाकी चना। इन्होंने चना बोया लगभग 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से और इन्होंने चने का उत्पादन लिया भाई साहब 17 या 18 कुंटल, उन्होंने 18 कहा था। और मैंने उनसे डबल से पूछा, मैं आपको रिकॉर्डिंग, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप सुन लेना। मैंने उनसे डबल से पूछा कि आपने क्या सच में 18 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इस चने का उत्पादन लिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो भाई साहब, सबसे पहले हम करते हैं जाकी चने की बात। 110 से 115 दिन की मतलब कि चने की पकने की अवधि है, 110 से 115 दिन में पक जाता है। सिंचित ज़मीन और असिंचित ज़मीन, यानी कि हम कम से कम इस चने में 2 पानी भी दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चने में हम 4 पानी भी देकर उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन हमारे पानी देने के तरीके पर डिपेंड करता है और हम चने में पानी किस तरह से दें, चने की खेती किस तरह से करें, इसके लिए एक वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप चना कोई सा भी बोए, अगर आपको उत्पादन अच्छा लेना है तो उस पर पानी देने का सही तरीका होना चाहिए कि सही तरीके से हम चने में पानी किस तरह से दें। ये पौधा जो है 35 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है और अकोला महाराष्ट्र का जो विश्वविद्यालय है, मैं विश्वविद्यालय का नाम भूल गया हूँ, उस विश्वविद्यालय ने इस किस्म को बनाया था। नियम के अनुसार तो इसे 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से बोना चाहिए, पर हमारे हम पानी कम दे पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, या हम बरसात के तुरंत बाद, जैसे हम नवदुर्गा लग रही है, कुछ किसान चने की बुआई अभी से ही कर देंगे, तो इस समय पर चने की सूखे में बुआई करते हैं तो किसान उसको ज़्यादा 60 किलो पर एकड़ तक कर देता है। एक हमारे रिश्तेदार हैं खाते गांव में, वो डॉलर चना बोते हैं, बड़े वाले सफ़ेद चना जो डॉलर आता है उसे बोते हैं, तो वो लगभग 1 कुंटल एकड़ के हिसाब से चना बोते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था देने की बहुत कम है, एकाध पानी मुश्किल से किसान दे पाता है। तो वो पेड़ ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं कम पानी में, तो उनका उत्पादन भी एक प्रकार से सही बैठ जाता है। तो हर एक क्षेत्र में किसान के अपने अपने हिसाब से पानी देने के भी तरीके होते हैं। भैया, जाकी चना जो है ये भूरे और मोटे दाने का चना है और इसे लगभग पूरे भारत में कहीं भी बोया जा सकता है जाकी चने को। और अपना जो मध्य प्रदेश सेंटर जोन जितना भी है, इसमें तो ये चना बहुत धूम मचा रहा है और जो भी किसान जाकी चने को लगाता है वो इसका उत्पादन सरकारी जो नियम है उत्पादन का, उससे ज़्यादा ही बताता है कि हमारा चना इससे ज़्यादा हुआ है। चने में उपटा रोग नहीं के बराबर लगता है और इस चने में तना सड़न, जड़ गलन, इस प्रकार की जो भी फफूंद जनित समस्याएं हैं ये भी बहुत कम होती है, नहीं के ही बराबर होती है। और अगर होती भी है तो आप, मैं जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख रहा हूँ उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। इसका बीज आप चाहें तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर बीज किसानों को गड़बड़ मिल जाता है, फिर बाद में किसान बोलते हैं यार भैया वो तो तुमने जो बताया था वो उस हिसाब से तो चना हुआ नहीं है। तो NSC से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं।
हम बात करते हैं दूसरे नंबर का चना जो हमारा है फूले विक्रम, ICCB इसका नाम है और इसका नंबर है 08108। महात्मा फूले विश्वविद्यालय जो है उसने इसे 2016 में इस किस्म को बनाया था। महात्मा फूले विश्वविद्यालय ये किस्म भी 110 से 115 दिन की किस्म है। जो किसान चने की जल्दी बुआई करना चाहते हैं, जैसे कि सितंबर अक्टूबर का ये महीना है, तो सितंबर अक्टूबर में जो किसान जल्दी बुआई करना चाहते हैं वो इस चने की बुआई कर सकते हैं। ये चना भी लगभग 16-17 कुंटल पर एकड़ तक आसानी से उत्पादन दे देता है। मैं हेक्टेयर नहीं बता रहा हूँ, मैं एकड़ बता रहा हूँ। ये इसका भी जिन किसानों ने बोया है उन्होंने बताया भैया कि हमने 16-17 तक इसका एवरेज लिया है। इसका पौधा लंबा आता है तो इससे क्या है, हम हार्वेस्टर से भी आसानी से इसकी कटाई करा सकते हैं। इसमें भी उपटा रोग नहीं लगते हैं, फफूंद जनित जो रोग हैं वो कम लगते हैं, तना सड़न जड़ गलन जो भी समस्याएं हैं वो इसमें भी कम आती है। काली दोमट मिट्टी जो है उसके लिए यह बहुत बढ़िया है। उस काली और दोमट जो मिट्टी रहती है हमारे यहाँ पर उसे राखड़ी मिट्टी बोलते हैं, तो उसमें ये बहुत बढ़िया उत्पादन देता है। अब हम तीसरे नंबर की भाई साहब चने की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर का चना है विशाल। विशाल चने को बहुत से किसान जानते हैं और विशाल चना जो है वो आज से 8-1 साल पहले मैं भी बो चुका हूँ। विशाल चना भी बहुत बढ़िया है, किसानों की जुबान पे छाया हुआ है विशाल चना। इसका मध्यम और पीला दाना आता है विशाल चने का, और जो चने की दाल बनती है उसके लिए ये चना बहुत बढ़िया उपयुक्त है, क्योंकि ये चने की दाल के ही लिए ये चना एक प्रकार से जाना जाता है विशाल चना। ये 110 दिन की किस्म है, 110 या बढ़ा के 15-20 5-10 दिन तो आगे पीछे चल जाते हैं, 110 दिन की किस्म है ये। इसका पौधा जो है वो ज़्यादा कल्ले करता है, कल्ले अधिक करता है इसका विशाल चने का पौधा। तो इसको थोड़ी दूरी पे बोएं आप तो अच्छा रहेगा, लगभग सिडल में आप 1 फुट की दूरी पे तो इस चने की बुआई करें, और लगभग आप वही बोने का तरीका वही है। सूखे में हैं आप तो इसको कम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा अधिक बो दें, ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो थोड़ा कम बो दें। ये चने बोने का एक तरीका तो यही है। इसमें भी उपटा रोग नहीं लगता है, इसमें कीट व्याधि भी कम लगती है, क्योंकि ये थोड़े खुड़दुड़ा सा रहता है। इसमें इल्लियाँ भी कम लगती है, इसमें भी जड़ गलन तना सलन की सड़न की समस्याएँ कम होती है, फफूंद जनित रोग भी इसमें कम लगते हैं। और ये चना लगभग 12-13 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन दे देता है, ये थोड़ा कम है। तो भाई साहब मैंने आपको तीन किस्म बताई है, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली, उससे कम उत्पादन वाली और उससे कम उत्पादन वाली। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये तीनों चने की जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और आप अपने साथी किसान भाइयों या दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करेंगे। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं अपने किसानी के ब्लॉग्स और जानकारियां आपको देता रहता हूं, और आप चाहते हैं चने में किस तरह से पानी देना है और उपटे की समस्या से किस तरह से निपटना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे रहा हूं आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज्ञा चाहूँगा, जय राम जी की।